How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो हैं पेपर सॉल्व कर रहे थे तो सेक्शन सी जो है हम कर रहे थे ग्रामर सेक्शन. उसमें हमने नॉन फाइनाइट्स कर लिए थे, मॉडल्स कर लिए थे और रीऑर्डरिंग द वर्ड्स कर लिए थे. तो आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. क्लियर? तो जब हम कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, उसको हम पैसिव में करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं. और क्योंकि 12 टेंसेज में हमारे जो एक्टिव जो सेंटेंसेज होते हैं अगर एक्टिव वॉइस में होते हैं तो 12 टेंसेज में होते हैं. बट जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो खाली हम 8 टेंसेज जो हैं हमारे जो कि एक्टिव से पैसिव में होते हैं. बट जो 4 हमारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इन 4 टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस आता है आपका तो उसको हमें चेंज नहीं करना है पैसिव में. क्लियर? तो अभी मैं जो है आपको रूल बताऊंगी कि किस तरह से जब एक्टिव में जो होते हैं हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट में, बट पैसिव अगर हम बनाते हैं तो हम किस में फोकस करते हैं? ऑब्जेक्ट में. तो यहाँ पे चलते हैं हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और उधर जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो वहां पे जाके पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाते हैं हम, वहां ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे टेंस की. तो आप लोग जो है ध्यान दें क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. सेवेंथ क्वेश्चन आता है ये हमारा ग्रामर सेक्शन में. तो इससे पहले हमने सारे कर लिए हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, जैसे हमने नॉन फाइनाइट्स करे थे या हमने करे थे कनेक्टर्स करे थे, राइट, या मॉडल्स करे थे, तो कहीं भी हमने कहते हैं एज डायरेक्टेड कंबाइंड द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, तो कहीं पे भी आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है अभी अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं. अभी हम बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें कुछ रूल बताऊंगी मैं, आप लोगों को उनको जो है फॉलो करना है. राइट? अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो ये पूरे 12 टेंसेस में जो है कंप्लीट होता है. फोकस टू सब्जेक्ट. जब हम पैसिव की बात करते हैं तो फोकस टू ऑब्जेक्ट. अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा. ये हमारे पूरे 12 टेंसेस में आते हैं. जो भी हमारा टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है. इसको हम पैसिव में करते हैं तो क्या रूल फॉलो करते हैं? 8 टेंस. अब कौन से हमारे 4 टेंस हैं जिनमें जो है एक्टिव से पैसिव में नहीं करते हैं? तो पहले वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नो पैसिव वॉइस. तो ये 4 हमारे टेंसेस ऐसे हैं जिनमें जो है एक्टिव से हम पैसिव में नहीं बनाते. एक्टिव में सेंटेंस होते हैं बट
इसको हम ट्रांसफर जो है ट्रांसफॉर्म जो है पैसिव में नहीं करते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें जो है सिंपल सा है, फोकस टू सब्जेक्ट का मतलब है कि हम सब्जेक्ट टू इसमें जाते हैं ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे जाते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अभी ये क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव की बात करेंगे तो फोकस टू एक्टिव वॉइस की, फोकस टू सब्जेक्ट, फोकस टू ऑब्जेक्ट, ये फोर जो है हमारे टेंसेज हैं जिनमें जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो हमें एट टेंसेज करने, तो एट टेंसेज में जो है हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे सेंटेंस और आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सिंपल सा है, जैसे अभी मैंने बताया था, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सिंपल सा ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो वहां पे क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, उल्टा हो जाता है। राइट? तो कैसे होता है ये अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आपके जो है टेंसेज भी रिवाइज हो होंगे, यहाँ पे जिन बच्चों के जो है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ब जो है भरने के लिए आता है ना, जैसे हमने अभी करा था सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान दें कि उसका भी रिविजन हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता होगा रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट। जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे तब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। राइट? तब भी मैंने बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये चीजें आपको पता होगी तो आपको बहुत ईजी रहेगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। राइट? तो एक्टिव, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में कैसा रहता है बच्चों, कि सब्जेक्ट प्लस हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करेंगे हम, इज, एम, आ। सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, आई होगा तो एम यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे, और उसके साथ क्या यूज करना है। और दूसरी बात बच्चों, ये पहले कि कोई भी हमारा टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस होता है, चाहे पास्ट टेंस होता है, चाहे फ्यूचर टेंस होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। क्लियर? चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर। ये नहीं देखना कि ये पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म या परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म भी। तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर। तो इस बात को जो है आप जो है माइंड में रख लें, कीप इट इन माइंड कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। अब किस तरह से यूज करनी है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। राइट? हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या यूज करना हमें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यह मैंने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसलिए लिखा है आपको क्लियर करने के लिए कि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और जो ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो उल्टा चलना है। तो जहां जो अगर यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों, जैसे अभी एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पे ये है, तो इसको आपने सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करने,
फिर हमारा जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म उसकी यूज करनी है, बाय यूज करना है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको हमें लास्ट में लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम राइट्स अ लेटर, अगर मैं लिख रही हूँ या राम राइट्स अ लेटर या राइट आई राइट अ लेटर, ठीक है, तो आई से कैसे होगा या राम होगा, तो राम तो डायरेक्ट जो है हमारा राम रहेगा, आई राइट अ लेटर, तो जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क करना है कि आई क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका वर्ब, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको तीनों चीजें क्लियर होगी कि सब्जेक्ट कौन सा, विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि ये दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ओ कहां लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, अ लेटर में, तो यहां पे हमने क्या लिखना है, ए लेटर को सबसे पहले लिखना है, अ लेटर। अब क्योंकि यहां पे लेटर क्या है बच्चों, सिंगुलर है, क्या है यहां पे, एक लेटर है। अगर यहां पे बच्चों लेटर्स होता तो हम क्या यूज करते, लेटर्स आर, क्लियर। अब क्योंकि यहां पे सिंगुलर है तो अ लेटर इज। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब क्या है, यहां पे हमने मार्क कर लिया बच्चों, तो राइट है हमारे क्या है वर्ब, तो राइट रोट रिटन, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, रिटन। तो इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ फॉर्मूले में, रिटन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर रिटन। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। अब आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, मी में, बाय मी, इजी हुआ ना बच्चों कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है तो अगर यहाँ पे राम होता तो हम क्या लिखते, बाय राम, ही होता तो क्या लिखते, बाय हिम, शी होता तो हम क्या लिखते, बाय हर, राइट, यू होता तो हम लिखते बाय यू, दे राइट अ लेटर होता है तो हम क्या लिखते, बाय देम, राइट। तो इस तरह से आपको जो है चेंज करना है, अदरवाइज जो है जो हमारा यहाँ पे हमने जो है ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा, इज एम आर जो है इज लिखा क्योंकि ये सिंगुलर था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करी बाय मी। तो ये सिंपल था कि मैं पत्र लिखता हूँ तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, राइट, तो हम बाय का वहां पे यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब क्या चेंजेस आपको करने हैं ये आप लिख लीजिए, और फिर जो है अभी मैं और आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो कुछ चेंजेस कौन से करने, आई का किस में चेंज हो जाएगा, मी, या जैसे हम यहां पे लिखते हैं ही हेल्प्स मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है चेंज करना है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट में मी हो जाता है तो आप क्या बन जाएंगे, आप यहां क्या बनाएंगे, आई, राइट, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो उसी तरह से आपको चेंज करना है, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। V का हो जाएगा बच्चों अस, वी राइट अ लेटर तो लेटर इज रिटन बाय अस, ही का हो जाएगा बच्चों हिम, शी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, यू का यू ही रहता है, यू एज इट इज यू, राइट, तो आई का मी, वी का अस। अब जैसे अभी मैंने बताया कि मी का क्या हो जाएगा, आई, अगर यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट अस है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी बना देंगे, हिम है तो हर, इस तरह से अकॉर्डिंगली आप जो है उसमें चेंजेस करेंगे, क्लियर। अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मी को कैसे हम जो है आई सब्जेक्ट जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे तो आई हमारा सब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट में क्या बनाया उसे, मी। अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट में होगा तो हम उसे सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आई से, क्लियर। तो ये जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, देन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, एंड देन जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे आपको लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट है अगर हमारा किसी का नाम लिखते हैं, जैसे राम है, श्याम है, या मोहन है, या सीता है,
और नेगेटिव है तो कैसे हमें उसको जो है चेंज करना है। राम डज नॉट राइट अ लेटर, सेम आपको करना है। ए लेटर इज नॉट, सिंपल है। इज नॉट, बस नॉट लगाने हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिखनी है आपको। रिटन बाय, अब क्योंकि यहां पे राम है तो यहां पे हम राम लिखेंगे, कोई आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर। A letter is written is not written by Ram. Negative हो गया, clear? इसी तरह से अगर इसमें आपको confusion होगा तो ये भी कर लेते हैं। Hurry helps. ये सारे जो हैं हम किसके करें? Present tense के, present indefinite. Hurry helps me. Hurry क्या करता है? मेरी help करता है। तो यहाँ पे पहले हम mark कर लेते हैं। Ram is your subject, verb. और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है आपका? सब्जेक्ट वर्ब और मी इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलना है, हमें कहाँ चलना है? उल्टा चलना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ चलना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई, राइट। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? एम। थर्ड फॉर्म क्या होगी वर्ब की? हेल्प्ड बाय हरी, क्योंकि यहां पे हरी है तो हम क्या करेंगे? यहां पे हरी को हरी लिखेंगे। क्लियर। तो आई एम हेल्प बाय हरी। तो किस तरह से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करें ये मैंने आपको बताया। अगर दे से सेंटेंस है तो कैसे आपको यूज करना है? दे कॉल their friends, right? Similarly mark subject verb object, right? अब हमें फिर से रिवर्स करके चलना है। their friends फ्रेंड्स है बच्चों, हमने सिंगुलर का भी कर लिया, आई के साथ एम भी कर लिया, इज और एम का हमने यूज कर लिया था। अब फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या हो गया? प्लूरल। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आर। देयर फ्रेंड्स आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज यू आर कॉल्ड बाय, दे का क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी, देम, बाय देम। तो इस तरह से आपको जो है सेंटेंस को जो है एक्टिव में है तो आपको जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने हैं, चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो सिंपल सा है, मतलब बहुत इजी मेथड है कि किस तरह से अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मार्क कर लेंगे तो किस तरह से उसको आपको लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन में आता है, मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है एक्टिव, राइट। तो डू यू गिव फूड टू बेगर, इज फूड गिवन टू बेगर बाय यू, यू का यू रहता है तो कोई चेंज नहीं करा। या व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, सपोज यहाँ पे आता है व्हाई डू यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपको सिंपल सा क्या करना है बच्चों? यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वाई ऐसी रहेगा। अब क्योंकि क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे? वाई इज क्रिकेट, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेट, प्लेट बाय यू।
why is cricket? क्योंकि cricket singular है, अगर यहाँ पे plural होता crickets होता या footballs होता है तो हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे are use करते. So why is cricket third form of the verb play by you? Same method से करना है आपको, कोई subject verb object और उसको जो है reverse करके आपको चलना है. Clear? अब हम देखेंगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है. आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज करते हैं. तो अभी आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमने क्या या टेंस हमारा जो है, अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपको यूज करनी है. क्लियर? अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अब आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम हमारा जो है कॉन्टिन्यू हो रहा है, चल रहा है, राइट? रुका नहीं है काम, चल रहा है, कंटिन्यू है, राइट? तो यहां पे हम क्या क्या यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव में. तो आपको पता है जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वहां पे यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या यू कैन से आईएनजी फॉर्म हम वर्ब की यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपको, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो क्या, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, तो सब्जेक्ट, राइट? कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो है हम पहले लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेंगे इज एम आर प्लस अकॉर्डिंगली लिखेंगे इस किसके साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, आर आई के साथ, एम. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको इस एम आर, इसमें जो है आपको क्या यूज करना है, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय देन एस. अब एग्जांपल देखते हैं हम, तो हमने राइट वर्ब लिखा है तो एक हम जो है आई एम राइटिंग अ लेटर करके देखते हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर, क्लियर? सिंपली जो है आप मार्क करें इसमें, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा है आई के साथ एम यूज करते हैं, या यहाँ पे क्या होता है ही होता है तो क्या लिखते हैं हम, ही इज राइटिंग अ लेटर, राइट? दे होता है तो क्या लिखते हैं हम, दे आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर. तो कैसे चेंज करना है वो देखते हैं. लेट्स सी, ये क्या है हमारी आईएनजी फॉर्म में वर्ब की, क्लियर? एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो तीनों चीजें मार्क कर ली हमने, सब्जेक्ट भी मार्क कर लिया, वर्ब भी मार्क कर लिया, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब. अब हम देखते हैं कि हमने क्या कहा है कि पैसिव में क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ये जो लेटर है और लेटर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो आंख बंद करके इसको जो है हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट स्टार्ट किससे करेंगे, अ लेटर, इसके बाद हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है इज एम आर. अब ये जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब क्योंकि यहाँ तो आई के साथ एम लिखा था पर अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर. अब लेटर क्या है बच्चों हमारा, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लेटर इज, क्लियर? लेटर्स होता तो क्या लिखते, लेटर्स आर, हेल्पिंग वर्ब यूज करती. इसके बाद हमें क्या यूज करना, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर रिटन
by, अब यहाँ s क्या है, I, तो I का क्या हो जाएगा बच्चों, me, और letter is being written by me. तो अगर continuous tense होगा हमारा active में, तो passive में आपको क्या लगाना है, helping verb के साथ being use करना है, and then main verb use करना है, third form of the verb, by me. तो जैसे मैंने पहले बताया था, चाहे indefinite हो, चाहे continuous हो, चाहे perfect हो, या past indefinite हो, या past continuous हो, हमें कौन सा tense use करना है, कौन सी form use करनी है, third form of the verb. तो हमने जैसे बोला था, तो हम यहाँ पे सिमिलर जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ गया, उल्टा चले हम, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे कैसे चले हम, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसी को उल्टा कर देंगे हम, तो पैसिव में हमें चेंज करना है. क्लियर? तो मोर एग्जाम्पल, अगर इसी को हम जो है नेगेटिव में लिखेंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी. अगर यहाँ पे वी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे वी आर राइटिंग अ लेटर, और लेटर इज, तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे आर यूज हुआ है तो हम भी आर यूज करेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग देखना है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करना है. सपोज यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया वी, अगर वी यूज हो जाएगा, वी आर राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सेम रहेगा अ लेटर, या अगर हम यहाँ पे लिख देंगे लेटर्स, वी आर राइटिंग लेटर्स, राइट, तो क्या हो जाता है, लेटर्स आर बीइंग, राइट, पर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर लिखा है कि हम जो है पत्र लिखते हैं, तो एक के लिए बोला तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस, अब वी है तो क्या हो जाएगा अस, ठीक है, हम पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. क्लियर? या यू आर वॉशिंग अ क्लोथ, या दे आर वॉशिंग अ कोट या क्लोथ, दे आर वॉशिंग अ कोट, दे क्या है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा आपका आई एन जी फॉर्म वर्ब की, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा अ कोट इज बीइंग वॉश्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम, ए कोट इज बीइंग वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय देम. क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है. क्लियर? तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, राइट. सिमिलरली अगर हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे आर यू राइटिंग अ लेटर, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लेटर है तो क्या, क्योंकि आर यू से शुरू कराया हमने, राइट. अब हम क्या करेंगे, इस हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, आर यू राइट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, आर यू राइटिंग अ लेटर, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये क्या है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और दिस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर?
तो अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? इज, क्योंकि हम एक लेटर की बात करें. इज अ लेटर बीइंग, सेम रहेगा रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय यू का क्या रहेगा हमारा? यू. सिर्फ क्या चेंज हुआ हमारा? क्योंकि लेटर है तो लेटर क्या हो गया? इज वन हो गया, यहाँ पे यू था, दैट इज वाई वी हैव यूज हियर आ. तो ये हमारा जो है किस तरह से हमने चेंज करा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? सिंगुलर है हमारा, राइट. और ये बीइंग रिटन बाय यू, तो ये हमारा क्या है? एक्टिव, दिस इज योर पैसिव. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाई आर यू नेगेटिव में हो, अगर इंट्रोगेटिव व्हाई आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? वाई ऐसे ही लिखेंगे हम, और सिंपल सा यही वाले सेंटेंस हो जाएगा हमारा. वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू. सेम यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे ही लिखा हमने. व्हाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, ये एक्टिव वॉइस में, और ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस. तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, आपको क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. अभी जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करा है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करा है, अगर किसी के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, और अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों आज जो भी पढ़ाया है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके. कहीं पे भी कोई डाउट है आपको तो आप लोग जो है अपने डाउट्स क्लियर करें. समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेस करें अगर समझ में आ गया है. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स में आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.